ट्वीट को देख करके उनके ज्ञान पर मुझे तरस आती है। स्वयं डिप्टी सीएम से उनका बेटा अधिकारियों के साथ बैठता था, है तो वह नहीं मचा, आत्मा मर चुकी थी भाजपा के उस समय। अरे भाजपा के अतीत को एक बार तो देख लीजिए। लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव के मंत्रालय में उनके रिश्तेदार, उनके बड़े बहनोई साथ बैठे मीटिंग में, उसके बाद सियासत तेज हो गई। तो दूसरे तरफ तेजस्वी यादव के जो निजी सहायक हैं उनके भी तेजस्वी यादव के साथ जो सरकारी कार्यालय हैं वहाँ जाना, वहाँ की बैठकों में शामिल होने पर सवाल उठाया जा रहा है। और अब इन तमाम सवालों पर जवाब देने के लिए आरजेडी ने मोर्चा खोल लिया है। आरजेडी की तरफ से अब बयान आने शुरू हो गए हैं। तमाम जो आरोप हैं वो बीजेपी के मध्य मढ़े जा रहे हैं। कई तस्वीरें बीजेपी नेताओं के सामने लाए जा रहे हैं, तो कई दस्तावेज भी आरजेडी के द्वारा अब पब्लिक डोमेन में रखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के जब मंत्री अपने कार्यक्रम में, सरकारी बैठकों में अपने रिश्तेदार को लेकर जाते हैं तब तो सवाल नहीं उठता है, लेकिन अगर कोई नया नया मंत्रिमंडल में शामिल हुआ है और विभाग जाता है तो उनके रिश्तेदार पहुँच जाते हैं तो ये बखेड़ा शुरू कर दिए हैं। आरजेडी के तरफ से बयानों का सिलसिला है वो तेज हो गया है। सोशल मीडिया का माध्यम हो या फिर बयान देने का, हर नेता चाहता है कि बीजेपी नेताओं को अब किस तरीके से जवाब दिया जाए। इसी कड़ी में आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता पूर्व विधायक शक्ति यादव ने बीजेपी नेताओं के सामने यह चैलेंज दिया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं शक्ति यादव। सुशील कुमार मोदी जी ने आज ट्वीट किया, ट्वीट को देख करके उनके ज्ञान पर मुझे तरस आती है। भारतीय जनता पार्टी कोटे से डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी, जो स्वयं डिप्टी सीएम थे, उनका बेटा अधिकारियों के साथ बैठता था। रामप्रीत पासवान जो पीएचडी मिनिस्टर थे, उनका बेटा मंत्री की गैर मौजूदगी में जाकर के स्पॉट पर निरीक्षण करते थे, है तो वह नहीं मचा, आत्मा मर चुकी थी भाजपा के उस समय। तेज प्रताप यादव जी कार्यालय जाते हैं, उनके साथ समर्थक जाता है, उनके लोग जाते हैं, कोई समीक्षा बैठक भी नहीं थी, गेट टूगेदर था। अगर कोई उत्साह बस अगर कोई पहुंचा, परिवार का सदस्य हो या कार्यकर्ता हो, तो उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब थे डिप्टी सीएम, जब लीडर ऑफ पोजिशन थे, दोनों स्थिति में संजय यादव जी ओएसडी के रूप में काम कर चुके हैं, और अभी तो डिप्टी सीएम बने ही हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, नोटिफिकेशन प्रक्रियाधीन है, उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अरे भाजपा के अतीत को एक बार तो देख लीजिए कि नितिन नवीन जो पथ निर्माण मंत्री थे, उनके परिवार का पूरा कुनबा कार्यालय में जाकर के पूजा कर रहा था।